तो दुनिया भर की 155 पवित्र नदियों से जल राम की नगरी अयोध्या पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का 155 देशों की नदियों से लाए पानी से जलाभिषेक होगा। इसके लिए 155 देशों से आए पवित्र नदियों का जल पहुंच चुका है। रामकथा भवन कार्यक्रम स्थल पहुंच गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। अलग अलग देश से आए कलश पर उस देश के झंडे और उसके नाम का स्टिकर भी लगाया गया है, ताकि पहचान हो पाए कि वो कलश किस देश से आया है और उस कलश को केसरिया रंग से सजाया गया है। देखिए, 9 वैदिक ब्राह्मण पवित्र नदियों के जल से पूजा कराएंगे। रामलला के निर्माणाधीन मंदिर के परिसर समेत चौखट का जलाभिषेक किया जाएगा। कई देशों के राजदूत और NRI इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। खास मुहूर्त में जलाभिषेक किया जाएगा। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या पहुंचते ही किस तरीके से ये जो जल पहुंचे उसका स्वागत किया गया। ये देखिए, 155 देशों से ये जल पहुंचे हैं। और इतना ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहां की रावी नदी से भी ये जल पहुंचा है। और इन्हीं जलों से अब जलाभिषेक किया जाएगा राम जन्मभूमि का। तो देखिए, अलग अलग देशों से जलाभिषेक के लिए पवित्र जल यहाँ पर पहुंच चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई गणमान्य लोग भी यहाँ पर जलाभिषेक के वक्त मौजूद है। तो अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, उसी समय दिल्ली में बीजेपी के पूर्व विधायक विजय जॉली ने राम मंदिर का विश्व के सभी देशों की नदियों के जल से अभिषेक करने की इच्छा जाहिर की थी। और जिसके बाद 20 अगस्त 2020 से दुनिया भर के पवित्र नदियों से जल इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया गया। करीब 31 महीने बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ 155 देशों की पवित्र नदियों का जल अयोध्या पहुंचा है। जिसके बाद 20 अगस्त 2020 से दुनिया भर के पवित्र नदियों से जल इकट्ठा करने का अभियान भी शुरू किया गया। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या में है, और अयोध्या का आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 156 देशों की नदियों का जो पवित्र जल है वो आज यहां पर आया है। और उसी के साथ साथ जलाभिषेक यहां पर राम मंदिर का किया गया, राम मंदिर प्रांगण का किया गया। दूर दूर से कई सारे जो राजदूत हैं अलग अलग देशों के, वो यहां पर पहुंचे हैं। और एक भव्य तस्वीर यहां पर बनती हुई, एक अनुपम तस्वीर बनती हुई यहां पर साफ नजर आई, जब दूर दूर से कई सारे राजदूत उन नदियों का पानी लिए हुए यहां पर पहुंचे। कई सारे NRI भी उसमें मौजूद हैं, जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन से भी, जहां पर जंग लगातार चल रही है, उन हालातों में भी वो पानी यहां पर लेके आए हैं। और इसका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर जॉली को, विजय जॉली, जिन्होंने अभियान छेड़ा था साल 2020 में, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं बीजेपी के। ऐसे में उनकी ओर से ही पूरी मुहिम लगातार चलाई गई, जिसके तहत अलग अलग देशों से, 7 कॉन्टिनेंट से, जो 7 महाद्वीप है, वहां से अलग अलग देशों से ये पवित्र नदियों का पानी यहां पर आया है। पाकिस्तान की रावी नदी का भी पानी आया है, और हर जिस जिस जगह से नदी का पानी यहाँ पर आया है उसकी एक अलग ही कहानी यहाँ पर उकेरती हुई साफ नजर आ रही है। जैसा कि कहा जा रहा था, रावी नदी से, देखिए ये कलश आप हाथ में देख रहे हैं, और ये सेशेल्स से पानी आया है, और ये पानी बकायदा वहाँ चढ़ाया भी गया। हालांकि अभी प्रसाद अपने साथ लेकर आ गई है। आपको कैसा लगा मैम, आपने वहाँ पानी चढ़ाया? बहुत अच्छा लगा, बहुत मन खुश हो गया। कितने जगह का जल हम लोग जब वहाँ चढ़ाए, विसर्जित किए, बहुत अच्छा लगा। तो देखा आपने किस तरीके का अलग ही उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप तस्वीर में आपको दिखाऊंगी, जितने भी सफेद टोपी में आप लोग देख रहे हैं, ये तमाम वॉलंटियर्स हैं जो वहाँ राम मंदिर में अंदर गए। और यही राम मंदिर का पैदल मार्ग है, इसके आगे मीडिया अलाउड नहीं है। और राम मंदिर के पैदल मार्ग के जरिए ही आपका, क्योंकि फोन वगैरह सब कुछ वहाँ पर जब्त कर लिया जाता है, यहीं से सीधे जो कलश यात्रा थी वो निकली। और इसके बाद जो जलाभिषेक हुआ है वहाँ पर सिंह द्वार पर, जो निर्माणाधीन राम मंदिर है, वहां तक ये जल पहुंचाए गए हैं। 156 नदियों का जल इसमें समाहित है, वो इसमें शामिल है। और देखिए, लोगों के हाथ में लोटे हैं, कलश हैं, और इन कलश में उन्हीं नदियों का पानी है।